शुक्र जैसा ब्रिलियंट तारा प्लानिटरी कैबिनेट के अंदर भी शुक्र से ज्यादा ब्रिलियंट कोई नहीं, और शुक्र से इतना उदार कोई नहीं, क्योंकि उष्णा के नाम से उनका असली नाम उष्णा है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि उष्णा ऐसा दार्शनिक कोई नहीं। दार्शनिक मतलब देखने वाला, देखने का नजरिया बदल देने वाला। तो शुक्र को क्या दिया गया, कौन कौन सा पोर्टफोलियो? आंखें दी गई। पढ़िए ना आप सबने गीता, एक श्लोक एक चैप्टर आता है ना, इसके अंदर भगवान से भगवान श्री कृष्ण सबको कंपेयर कर रहे हैं कि रहस्यों में मैं मौन हूं। दार्शनिकों के अंदर मैं उष्णा हूं, उसके अंदर वो डिफरेंट कैटेगरीज दे रहे हैं कि मैं कौन किस किस में हूं, तो सबकी पराकाष्ठा बता रहे हैं। तो पराकाष्ठों में उष्णा का नाम दिया दर्शन दार्शनिक लोगों में। दार्शनिक कौन? तो देखने का नजरिया बदल दे 2 मिनट के अंदर आपका। सबसे बड़ी मुसीबत को ये बताने लग जाए, ये तो सबसे अच्छी ब्लेसिंग है, ये देखने का नजरिया, क्योंकि देखना आना चाहिए इंसान को। और वैसे भी शुक्राचार्य का जो डिस्क्रिप्शन मेंशन है उसके अंदर उनकी एक आंख बंद बताई गई। तो जो इंसान एक आंख बंद करके देखता है वो या तो चोर लुटेरा होता है, क्योंकि तो आप देखोगे सी पायरेट्स की एक आंख हमेशा वो हमेशा फ्लैप करके रखते थे ताकि अंधेरे में जाने में जरूरत से ज्यादा रोशनी से तो दूसरी आंख काम कर पाए। या फिर कोई एक बहुत बड़ा ऐसा व्यक्ति होता है जिसने अपने देखने का तरीका संभाल के रखा हुआ है। इसलिए शुक्र को आंखों का पोर्टफोलियो है। शुक्र अफ्लिक्टेड हो चार्ट के अंदर, आंखें अफ्लिक्टेड होंगी। क्यों? क्योंकि मार्स को फोकस का पोर्टफोलियो आंखों में, सूर्य और चंद्र को रोशनी का है, पर देखने का नजरिया दर्शन करने का। आप एक स्त्री में मां देख सकते हो, आप एक स्त्री को के अंदर या एक पुरुष के अंदर आप अपने फादर देख सकते हो, भाई देख सकते हो, या आप ये सोच सकते हो कि मैं इसके साथ कैसा प्यार करूं। सिर्फ और सिर्फ देखने का नजरिया, आपका देखने का नजरिया आपकी जिंदगी बदल देता है। तो जिसको देखना आया ना उसको पत्थर में ईश्वर दिखाई दिया, और जिसको देखना नहीं आया उसको ईश्वर में भी पत्थर दिखाई देता है। तो इसलिए शुक्र जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको देखना सिखाता है। आपको जब आप देख पाते तो आप चॉइसेस कर पाते हो। जिस इंसान को हाथ में पकड़े ये नहीं पता कि सांप है या रस्सी है, वो क्या डिसीजन लेगा? तो शुक्र जैसा ब्रिलियंट तारा जो आपकी जिंदगी का सारा रस देता है, क्योंकि शुक्र की जितनी भी चीजें बहुत महंगी हैं, आराम से नहीं आती। बहुत ज्यादा रिफाइंड चॉइसेस का जो मालिक है ना वो शुक्र है। अपनी बॉडी के अंदर देखिए, शुक्र की जब भी बीमारियां होंगी मतलब आपकी आपकी बॉडी की लड़ने की क्षमता शुक्र डिसाइड करता है कि आप रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सबकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी बराबर। क्यों? क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आसुरी प्रवृत्ति लेकर आते हैं। हमारे अंदर दोनों लोग रहते हैं, देवता भी और असुर भी, और आसुरी प्रवृत्ति के कारण हम जो भी काम करते हैं उसके कारण परेशानियां आती हैं। उनसे अब निकल पाओगे नहीं निकल पाओगे, साम दाम दंड भेद तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया मारण उच्चाटन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, डिपेंड ऑन शुक्र। इसका शुक्र अच्छा है, वो बुरी से बुरी कंडीशन में भी अपने लिए रास्ता खोज लेता है, उसको रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि उसने अपने दूसरी आंख पे फ्लैप लगा रखा होता है ना। तो रोशनी से अंधेरे में जाते वक्त आपको दूसरी आंख काम आती है। तो इसलिए जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता उनको आंखों पे हमेशा कोई ना कोई डार्क स्पेक्स लगा के रखने चाहिए। ज्यादा धूप में मत घूमा करो। शुक्र आपका खराब है तो आपको अपना वैल्यू नहीं पता है कि मेरा वैल्यू कितना है। तो जिनका शुक्र केतु है उनको पता है उनका वैल्यू, उनको नहीं पता होता कि कितने भारी आती है वो। शुक्र राहु है तो वो ओवर प्राइज्ड है, उनके दिमाग में एक एक जो भ्रम बन गया है अपने प्राइस को लेके, अपनी वैल्यू को लेके, वो टूटता नहीं है। आपकी बॉडी का स्पर्म बहुत सारे खून से बनता है, बहुत कीमती है, संभाल के रखिए। जो लोग वेस्ट करते आते हैं वो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते, इसलिए इसे इतना सारा उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इतना सारा टेक्स्ट आया। अब श्रावण का मास है, श्रावण के मास में बिल्कुल भी मत मिलिए,
क्यों? क्योंकि श्रावण के मास के अंदर आप अगर आप ये करने वाले हैं, आपका शुक्र बर्बाद होने वाला है, आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि गरीबी का सबसे पहला लक्षण है कि आपकी बॉडी खराब होगी, बाद में कुछ और खराब होता है। तो अगर आपकी बॉडी खराब होने वाली है, क्या बोला जाता है, मतलब सावन के अंदर दही खाना मना है। आई होप ये आपको सब पता, आप सबको पता होगा, आपके पेरेंट्स सबको सिखाया होगा कि सावन में दही मत खाइए। दही किस चीज का कारक है? शुक्र का। तो शुक्र का सेवन सावन में मत करिए। और सबसे ज्यादा जो रोमांटिक सॉन्ग में कहते हैं, बारिश में गाए जाते हैं शुक्र। और मैं बोल रहा हूँ सावन के महीने के अंदर ही आपको सबसे ज्यादा कंट्रोल में रहना है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन के साथ रहना है। और इसलिए वो भगवान शिव की पूजा बताई गई। इंसान चलो भगवान शिव की पूजा करेगा तो ना थोड़ा सा दिमाग उधर जाएगा तो कंट्रोल में रहेगा। आज मैंने एक वीडियो करा है उसके ऊपर, कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आज मैंने क्या बोलते हैं इनके ऊपर, महाकाल के ऊपर। और लगातार वो सीरीज है भगवान शिव के ऊपर जो अभी लगातार मैं करूंगा। नहीं, आज अभी करा, अभी रिलीज होना है 7:30-8 बजे करीब होगा रिलीज, प्रदोष काल के अंदर। तो शुक्र ना आपके अंदर का ब्राइटनेस है, आप कितने चमकते, कुछ लोग होते हैं ना वो चमकते हुए लगते हैं, उनको देखिए आप, आपकी जिंदगी की आधी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। तो उष्णा को देखकर ना, यही यही जो फीलिंग है ना उष्णा को देखकर आती है, यही फीलिंग शुक्र को देखकर आती है, यही फीलिंग शुक्र के वैभव को देखकर आती कि उनके पास अगर कुछ भी नहीं होगा, मतलब क्या है उनके पास, खाली हाथ, ब्राह्मणों के पत्र, भार्गव ऋषि के पत्र, पर राक्षसों को कहां से उठाकर कहां बना दिया। शुक्र छे क्या है कि शुक्र छे ना, शुक्र छे की अच्छी क्वालिटी ये है कि शुक्र छे ना बहुत डेडिकेटेड है सर्विस के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। बोलता मेरे पास टैलेंट है, देखो मैं ब्राइटनेस है मेरे पास, मैं तुमको आओ तुमको हेल्प कर देता, फ्री में कर दूंगा। चलो शुक्र छे और डांसिंग हैंड इन हैंड भी जाता है, मतलब शुक्र छे जहां पे जिसका भी होगा ना, मैं उसको बोलता हूँ घर में नटराज की मूर्ति रखिए और भगवान शिव का ना, भगवान शिव जब मस्ती में नाचते हैं ना और बिना कपड़ों के हैं वो, देखिए भगवान नटराज की मूर्ति ना बिना कपड़ों के आती है, तो वो अपनी सारी शुद्ध, बिना कपड़ों के मतलब ये है कि वो अपनी सारी शुद्ध बुद्ध भूल गए हैं और वो बहुत मस्ती में नाचते हैं। वो ये भूल गए हैं कि कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है, शायद इसलिए बोला गया कि ऐसे नाचिए जैसे आपको कोई जिंदगी में नहीं देख रहा। तो शुक्र से इतना सेल्फ डीपली इन्वॉल्व है अपने अंदर ही कि वो ये भूल गया है कि कोई मेरे को देख रहा है, मेरे डांस से किसी को मदद हो रही है नहीं हो रही है, मेरे डांस कोई देख पाएगा। वो अपनी धुन के अंदर है और शुक्र छे की बिल्कुल ऐसी हालत है, वो अपनी धुन में नाचता है। तो मैं शुक्र छे को बोलता हूं कि आप ना भगवान नटराज की ना पूजा करो, एक बार भगवान नटराज करो, एक पढ़े स्क्रिप्चर है शायद शिव पुराण की, एक कमेंट्री है, आई कॉन्ट रिमेम्बर नेम्स, उसको आप एक बार पढ़िए, मतलब शिव महापुराण की कमेंट्री है ये, जिसके भगवान नटराज का वर्णन है। तो अगर आपको नहीं मिले तब भी ना अमेजोन पे देखिए भगवान नटराज की कोई कमेंट्री है, शिव पुराण की बहुत सारी कमेंट्रीज है, उनमें से एक हाथ पढ़ के देखिए। नहीं तांडव स्तोत्र नहीं, भगवान नटराज के बारे में वो है कि भगवान वो कब नाचते नटराज बन के। तो उसके अंदर एक शब्द है मदहोशी। तो भगवान शिव जैसे व्यक्ति, मतलब भगवान शिव जैसे जैसे देवता जो मदहोशी के अंदर नाच रहे हो और वो भूल गए हो शुद्ध बुद्ध, आपको शुद्ध बुद्ध रहती है तो आपको कपड़ा पहनना याद आता है, आपको दुनिया का ख्याल रहता है, तो शुक्रवार बहुत मैं अच्छी तरीके से ड्रेस व्रेस होके परफ्यूम लगा के निकलता है, पर शुक्र छे भूल गया सब कुछ। तो ऐसे व्यक्ति को ना भगवान नटराज की पूजा करनी चाहिए और उन्हीं की तरह डांस करना सीख लेना चाहिए, एटलीस्ट अकेले में कर सकते हैं अपनी सारी परेशानियां भूल के। तो शुक्र छे ना एक ऐसा वो है, क्या बोलते हैं, अगर आप एज ज्यादा हो या नहीं उस टाइम पे डांस नहीं भी करना चाहते हैं, नहीं भी आता, तो क्योंकि कोई भगवान शिव के तांडव के अंदर कोई पर्टिकुलर स्टेप्स तो है नहीं, लेकिन वो डमरू बजाते हैं एक हाथ से और उसी पे नाचते हैं। तो नटराज की पूजा करने से शुक्र छे के बहुत सारे कर्ज खत्म होने लगते हैं।
क्योंकि नटराज जो है ना वो अपनी उसमें है, अपनी धुन के अंदर है, तो उनको ये बोलना चाहिए कि आप बाकी सब को मत देखिए और यही यही आप बाकी सबके ओपिनियंस को मैटर मत करवाइए। क्योंकि तो शुक्र छे क्या कर रहा है, सबकी बातें सुन रहा है, सबके ओपिनियंस ले रहा है, सबसे सलाह ले रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूं ना। तो मैं उसको बोलता हूँ तुमको ना ये ब्रेकआउट की जरूरत है, और ब्रेकआउट कैसे आता है, भगवान शिव के डमरू से आता है। चलो एक रेमेडी बताता हूँ। राहु आज या राहु शुक्र केतु या शुक्र सूर्य, ये दो ही प्लैनेट्स हैं जो शुक्र को डैमेज कर देते हैं। डैमेज इन द सेंस ये शुक्र पे ना भारी पड़ जाते हैं कि चलने नहीं देते शुक्र की, क्योंकि केतु एक ऐसी हवा है जिसका सर तो है नहीं और शुक्र है आंखें, और जो शुक्र को देख ही ना पाता हो, मैंने क्या बोला कि शुक्र किस तरीके से प्रभाव करता है कि वो आप उसको किसी को देखते हैं आपका दिमाग लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाता है। अब केतु देख ही नहीं पाता शुक्र को, तो या तो यहाँ पे शुक्र दबा सकते, या तो केतु दबा देता है शुक्र को, और दूसरी चीज है या फिर सूर्य दबा देता है, क्योंकि तो सूर्य जो है इतना हैवी है कि वो सोचता है, देखो सूर्य जहां पर जाते हैं ना बच्चे देकर आते हैं। सूर्य ने कुंती को विजिट किया करण, सूर्य की वाइफ इतने परेशान हो गई थी उनसे कि उनको बोला कि मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ, वो किसी और को छोड़ के गई, वहां पर भी उनके पुत्र हो गए। उसके बाद उनको पता चला कि उनकी ओरिजिनल वाइफ जो है वो घोड़े के फॉर्म के अंदर है, वहां पर भी उनको विजिट किया, फिर से वो अश्विनी कुमार हुए। तो सूर्य जो है ना वो ज्यादा फीलिंग्स रखते नहीं है, वो कहते हैं तुम मेरी रानी हो, बिकॉज मैंने बताया सूर्यवंशी किंग्स जो है उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। तो सूर्य के दबंगई के आगे ना शुक्र की चलती नहीं है, तो या तो सूर्य कंट्रोल कर देता है डांट के दपट के अपनी हीट दिखा के, या फिर केतु कंट्रोल कर पाता है। ये दो प्लैनेट्स हैं जो शुक्र को शुक्र की चलने नहीं देते, तो अगर शुक्र केतु आ जाएगा तो शादी आराम से हो जाएगी, बनसान अरेंज मैरिज कर लेंगे, और उसके बाद ना फिर केतु की जो इफेक्ट्स हैं सेपरेशन इन द मैरिज, डिस इंटरेस्ट इन द मैरिज, D9 D1 पे देख रहे हैं ना, 7 वगैरह। तो शुक्र 7 के अंदर अगर ये डैमेज हो जाए तो शुक्र की नहीं चलेगी। क्योंकि तो बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स शुक्र के वैभव के अंदर में आ जाते हैं, बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स को शुक्र कंट्रोल करवा देता है, क्योंकि राहु को दिखता है और राहु कहता है कि ठीक है शुक्र गुरु है, अभी केतु के साथ ही चलती। बहुत ज्यादा रिच बनाता है शुक्र साथ, पैसा देता है, स्किल्ड बनाता है, मतलब विशेष शुक्र साथ ऐसा है कि जिस दिन से मतलब पैदा होगा ना घर के अंदर, उस दिन से घर के अंदर पैसा बढ़ने लगता है। इस बंदे का प्रभाव ये है शुक्र साथ का, पर ना शुक्र के लिए वो नहीं है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो आप हमेशा देखेंगे जैसे कि यहाँ पे किसी ने बोला कि मेरा एल्डर ब्रदर था, किसी ने बोला मेरी सिस्टर थी, किसी ने बोला, यहाँ पर ना शुक्र के लिए रूल्स नहीं है, क्योंकि तो अपने घर में बैठ के ना शुक्र कहता है मैं रूल्स नहीं मानूंगा, मेरे लिए कोई रूल नहीं, तुम शादी के लिए जितने नियम बना रहे हो ना बना लो, मेरे को जो करना है मैं अपने हिसाब से शादी कर लूंगा। तो नियमों को ताक पे रख के जो इंसान शादी करता है वो है तुम्हारे लिए शुक्र साथ। अच्छा छठे घर का शुक्र बर्बाद हो जाए ना, बर्बाद इन द सेंस कि केतु मांडी गोलिका आ जाए, तो अच्छा कर देता है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, इंसान को बहुत अच्छा बना देता है। तो जहां जहां शुक्र के खराब रिजल्ट बता रहा हूँ वहां पर देख लेना कि शुक्र कहीं का खराब तो नहीं हो रहा, शुक्र के साथ केतु उसको ओवरराइड तो नहीं कर रहा, क्योंकि केतु और सूर्य ही है जो शुक्र को ओवरराइड करेंगे। घर के अंदर आके एक टाइम बाद आपको या तो असेक्सुअल बना देगा या नॉन सेक्सुअल बना देगा, मेल फीमेल के बीच का डिफरेंस खत्म कर देगा। जब आप सेम सेक्स के अंदर जाने लगते हो, मांडीगुलिका से अफेक्ट होने लगते हो, शुक्र मांडीगुलिका से अफेक्टेड हो तो ये सेम सेक्स की तरफ अट्रैक्शन देने लगता है। तो शुक्र तीसरे घर के अंदर ना ये ध्यान रखना चाहिए, पहली चीज मैं मुझे बोलता हूँ शुक्र तीज में ऐसा है जैसे कि उसको ना सिर्फ शरीर चाहिए,
उसके दिमाग का जो वेरिएशन है ना, जो फिल्टर है ना, कि आपको किस किस चीज को देख के अट्रैक्शन होता है, तो इनका जो अट्रैक्शन है ना वो किसी और चीज को देखकर है। तो शुक्र तीन के अंदर ना आप उसके दिमाग को समझिए। सी अगर उसको मैं एक बहुत उसमें से फिजिकल सेंस में नहीं बोलूंगा, तो इन लोगों का जो वो है ना, क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप है वो मोर एंड मोर साइकोलॉजिकल बेसिस पे है। तो इनको ना कभी भी शरीर से ज्यादा किस चीज की वो है कि जो लोग इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग खुशबू से अट्रैक्ट होते हैं, जो लोग शरीर के बियॉन्ड सोच रहे होते हैं, क्योंकि आप और मैं सिर्फ और सिर्फ एक शरीर तक देख पाते हैं। पर एक जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने का घर है ना तीसरा घर, एक जो बच्चा पैदा होता है वो सेक्सुअलिटी नहीं देखता, वो समझता ही नहीं सेक्सुअलिटी क्या होती है, वो मेल फीमेल नहीं समझता है। तो उसके दिमाग में क्या आता है, उसको उसको दिखाई क्या देता है, उसको देखिए ह्यूमन दिखाई देता है। उसी तरीके से ना शुक्र तीसरे के अंदर एक ह्यूमन देख पाता है, उसके बियॉन्ड देख पाता है। तो इसलिए ना इनके आंखें बोले ना खराब है, आंखें खराब नहीं है, देखने का नजरिया आपसे अलग है। इनको ना इनको इसी समाज में वो लगे गे हैं, लेस्बियन है, पर ये तो हमेशा से हिंदू कल्चर में थे। हाँ शंकराचार्य जब आए तो उन्होंने अपने कल्चर के अंदर आके उनके जो टेक्स्ट है उसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट उसको हटा दिया गया। उन्होंने बोला कि इसको नहीं बढ़ावा दे सकते। मेरे को दो तीन लोगों ने पर्सनल टेक्स्ट में भी बोला, वीनस एंड पाइसेस, नहीं नितिन ये घर इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो पैदा होने का घर है। तो शुक्र तीसरे घर के अंदर ना कभी भी ये मत सोचिए कि कोई इंसान गलत है सही है, आपको ना हिंदुज्म का बारीकी समझना पड़ेगा, और वो जिस तरीके से ज्योतिष में एप्लीकेबल है वो समझना चाहिए कि आप और मैं देख पा रहे हैं स्त्री या पुरुष, और शुक्र तीन देख पा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जो दिल की फीलिंग है ना वो कौन समझ पाता है। तो ये है शुक्र तीन। तो शुक्र तीन को ना यहाँ पर जो वो बताया गया एक्सेप्टेंस है, मैंने बोला कि शुक्र नौ में एक्सेप्टेंस कहाँ करवा रहा था, इलीट क्लास के अंदर। अब शुक्र तीन में वो एक्सेप्टेंस नहीं करवा रहा, क्योंकि जब गुरु नानक देव नहीं कौन से गुरु थे जो जो लाहौर गए और लाहौर की पीर से मिले, तो उसने बहुत अच्छी कहानी सुनाई मेरे को मुझे, तो उनसे चार सवाल पूछे थे। तो तुम से एक सवाल था ना कि स्त्री क्या है, तुमने कहा था कि यार तुम कैसे पीर हो, तुम्हारे तो बीवी है, बच्चा है, लश्कर है, इतने पैसा है, शायद राजा रणजीत सिंह थे या कोई महाराजा थे उनमें से जो उनके हिस्से को भी बोलते। तो उन्होंने बोला कि स्त्री जो है ना वो आपको इज्जत दिलवाती है। हो कन्फेस करना जाएगी, चाहता हूँ। एक मंदिर की हो जाएगी और एक मणिकर्णिका घाट की हो जाएगी। हाँ ठीक है दोनों काम करें, वेट करो बिकॉज बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन पूछना ठीक चाहते है हैं। सर, एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ सर। हाँ जी अनुराग जी। सर, आपने दिवाली की एक रेमेडी बताई थी कर्जा उतारने की, हाँ जी कि सैटरडे को दिवाली आए तो गुड़ जो है वो गंदे नाले पानी में डालना चाहिए फॉर 45-41 डेज। हाँ जी सर थैंक यू सो मच। कि 41 डे होने से पहले पहले सर मेरा 30 लाख का कर्जा आया, 38 डे पे मेरा वो कर्जा चूक गया सर। बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात। और मैंने वो छोड़ी नहीं सर, जयपुर में कई शादियां अटेंड की, जोधपुर में रहता हूँ मैं सर, तो अच्छा जो जयपुर के अंदर भी मैंने वो गंदा नाला मेरी बहन को पहले कह दिया ढूंढ के रखा, तो उसने ढूंढ के रखा सर। और गाड़ी भी ठीक मैंने ऐसे चलाई कि 5 बजे से पहले पहले पहुंचना, तो है मैं बहुत पांच बढ़िया। बजे से पहले पहुंचा सर। वेट करो अभी मैं जो नई रेमेडीज देने वाला हूँ ना उसकी, तो शिवलिंग की क्या बोलते हैं ये शिवरात्रि पे, तो वो जरूर कर लेना इस अच्छा पर। सर, एक और चीज़ पूछनी थी। हाँ आपने आज बड़ा अच्छा ब्लॉग लिखा था सर कि मंगल राहु अगर सजिटेरियस में है हाँ तो वन शुड विजिट काशी विश्वनाथ। हाँ जी तो सर मेरा पिछले 1 साल से इतना ज़्यादा मन कर रहा है, ऑटोमेटिकली मेरा है मंगल राहु 4th हाउस में सजिटेरियस, तो 1 साल से सर मैं इतना मन कर रहा है, लेकिन कोविड आ गया, ये आ गया। अभी खुला और हुआ है ना वो, तो वो क्या बोलते हैं जिनने वैक्सीनेशन हो गया उनको वो दे रहे एंट्री, आ जाओ भाई सुपर ले लीव लिया था। करते हैं तो हाँ तो चला सर लीजिए। ये भी सर चलो मैं पहले ही चाहिए थैंक्स था। कह देता हूँ आपको सर, थैंक यू सो मच। सर सर एक चीज़ सर, थैंक यू भी मैंने आपको बोलना है, हाँ जी बताइए। वो इसलिए बोलना है क्योंकि बीच में ना सर एक लड़की है, हमारे पास एक लड़की थी जिसका ना बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, उसने सुसाइडल करने की कोशिश की थी, तो मैंने आपको मेल लिखी थी, आपने मुझे उसकी रेमेडी दी थी, थैंक यू वेरी मच सर, शी इज डूइंग गुड नाउ। पर हाँ ये है कि 100% रेक्टिफाई नहीं हुआ है, बट यस मतलब उस वाले फेज से वो बाहर आ गई है, आ ठीक रही है, शी इज डूइंग इट गुड, थैंक यू सो मच सर। अच्छी बात है। ठीक सर एक ना शुक्र 10
ये ऐसा घर है जहां पर शुक्र ने अपना दिग्बल लॉस्ट कर दिया। ये लोग वो हैं जो चैरिटी पे काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं, किसी कुछ बेचने का काम करते हैं। यहां पे आके शुक्र का ग्रेस नहीं है, क्योंकि तो यहां पे शुक्र ना शनि से मेहनत करवाता है। तो आपको बहुत सारे जो एनजीओ वर्कर्स मिलेंगे ना, आपको लगेगा ये काम कोई कैसे कर सकता है। एनजीओ वर्कर्स हो गए, संत महात्मा हो गए, फकीर हो गए, मार्केटिंग एजेंट्स हो गए, जो दूसरे को कन्विंस करना पड़े, क्योंकि शुक्र का हैबिट नहीं कन्विंस करने का। पर शुक्र जो है 10th हाउस के अंदर आके दूसरों को कन्विंस करने का काम करवाता है, जो कि शुक्र के लिए पेनफुल है। आपको ना अगर अपना बिजनेस करना है, अगर आपका शुक्र 10 में है, तो मैं बोलता हूं आपके चार्ट में 3 सेंटर्स हैं, सूर्य से 10वां, चंद्र से 10वां, लगन से 10वां। लगन से 10वें में शुक्र है, तो सूर्य से 10वें में देखिए कोई अच्छा प्लैनेट होगा, या चंद्र से 10वें में अच्छा प्लैनेट होगा, वो वाला बिजनेस कर लीजिए, आप जिंदगी में सुखी रहोगे। अगर आपका लगन से 10वें में शुक्र है और आप शुक्र का बिजनेस कर रहे हो, आपको नुकसान होना 110% पक्का है। सेकेंडली क्या होगा, शुक्र से 10वां जो है ना, वो आप किसी और के डिपेंडेंट हो, आपकी अपनी चलनी नहीं है, आपका स्किल भी नहीं दिखाई देना। हाँ, एमएलए में इंडस्ट्री हुई, वो इस टाइप की बिजनेस, मतलब मैंने एक चार्ट देखा, उसके अंदर वो इंसान डोनेशंस मांगता है किसी और इंस्टीट्यूशन के लिए, कोई कोई वो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके लिए वो डोनेशन मांगने का काम करता है, उसको सैलरी मिलता है। तो इवन वो सैलरी मिल रहा हो, बट वो इट्स नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेबल वर्क, रिस्पेक्टेबल इन द सेंस कि शुक्र का टैलेंट वेस्ट है यहाँ पे। शुक्र 10वें घर के अंदर, देखना बच्चे ना हमेशा बीमार रहेंगे, तभी मैं बोलता हूं कि ऐसे लोगों को, ये लोग जितना काम किसी और पे डिपेंडेंट होकर करेंगे ना, किसी और के पैसे से करेंगे, शुक्र 10वें घर के अंदर ना क्या करता है, इसको हम बहुत लोग मदद करने के लिए आते हैं, पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन लॉज फैमिली, वाइफ होगी, वाइफ मदद कर देगी, वाइफ के भरोसे पे काम कर लेगा। करते जाओ, आपके बच्चे जो है ना बीमार होते चले, इनके बच्चे पैदा होते ही या तो ओबेसिटी हो जाता है या कोई और इशू होता है, डॉक्टर भी कहेगा कि इनको ना डीएनए इशू है, जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे ठीक हो जाएंगे। डीएनए इशू, शुक्र 10, शुक्र जो है डीएनए का कारक है, तो डॉक्टर भी बोलते हैं इसका इलाज नहीं है। तो अपने चार्ट में देखा, अपने जिसके भी चार्ट में है शुक्र 10 का कॉम्बिनेशन, देखो बच्चे बीमार क्यों हैं, उसका रीजन क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों? क्योंकि शुक्र जो है 10वें घर में बैठा है। सूर्य को 10वें घर में मिलता है डायरेक्शन, शुक्र को नहीं मिलता, शुक्र का देखभाल तो लॉस्ट हो गया। हाँ, पर अगर सूर्य इसको डिस्ट्रॉय कर दे, तो शुक्र को ईगो ले आए, तो अगेन वो जो बैड रिजल्ट है वो ओवरकम हो जाते हैं। पर यहाँ पे मान लो सिर्फ शुक्र बुध हो, सूर्य हो ही ना इसके साथ, तो फिर दिक्कत करेगा। जेलेसी इश्यूज, क्लासिकल टेक्स्ट में तो बोला गया कि स्पाउस जल जाता है, वो शुक्र कविता वर्मा, अगर वो बेटा भी मार रहे हैं तो वो शुक्र से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, कपड़े बेच रहे होंगे, ठीक है ना। वो शुक्र 10 को बोले यार काम छोड़ दो, शुक्र 10 वाला, बच्चे ठीक हो जाएंगे, बहुत सिंपल है ये तो। क्योंकि क्या है, डीएनए से ही सही, शुक्र 10 के अंदर परेशानी क्यों दे रहा है डीएनए में आपको, उस प्रोजेनी के अंदर 10वें घर में ना प्रेशर है शनि का, और शुक्र जैसे प्लैनेट के ऊपर जो एंजॉयमेंट का कारक है, उसको आप कह रहे हो कि सर पे बंदूक रख के कि अब एंजॉय कर, तो जो डेज है ना कंसीविंग के लिए दिए गए, कि तृतीया का चांद हो, अच्छी हवा चल रही हो, ज्यादा गर्मी नहीं हो, ज्यादा ठंड नहीं हो, वो जो एटमॉस्फेयर बताया गया ना, उसलिए बताया गया ताकि शुक्र जो है, क्योंकि शुक्र 5 घर में, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको तो हीट बहुत है, आपका स्पम वो नहीं चल, वो हो रहा, क्या बोलते हैं, स्टेबलाइज नहीं हो रहा एक, क्यों? क्योंकि सूर्य की गर्मी है।
अब उस 10वें घर के अंदर वो बोलते हैं कि आपका स्पर्म काउंट ही लो है बहुत, या फिर जो है या ये बहुत थिन है, तो डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आना है। और शुक्र है 10वें घर के अंदर जो जो लोग एंजॉय करते वक्त भी काम कर रहे होते हैं, या काम करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं, जो अपना काम ढंग से नहीं करते हैं, उनको शुक्र जो है ना 10वें घर में मिलेगा। तो ऐसे लोगों को ना ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कंसेप्शन के टाइम पे, कि बहुत प्लान करके और बहुत ज्यादा मुहूर्त देख के कंसेप्ट कंसीव करना चाहिए। गार्डन मैन्युफैक्चरिंग, हाँ शुक्र 10 को प्रॉब्लम, उनको बोलो ये काम छोड़ दो कोई और कर लो। अच्छा इसका पैसा भी देखना किसी और ने दिया होगा, शुक्र 10 का पैसा होता ही नहीं कि वो खुद गार्मेंट मैन्युफैक्चरिंग करवा पाए।